Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. आज हम जाएंगे हलाल शॉप और आपको भी लेके जाएंगे, तो let's go. Friends, हम घर से निकल आए हैं और अभी हम अपने रास्ते में हलाल शॉप जा रहे हैं. किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में हलाल फूड सर्च करना पड़ता है, तो रशिया में भी सेम सिचुएशन है, इसलिए मैंने आज का इंफॉर्मेटिव व्लॉग इसी पे बनाया है. अभी आपको हर स्ट्रीट में इस तरह की डेकोरेशन नज़र आएंगी न्यू ईयर और क्रिसमस को. यहाँ पे आंटियाँ बैठी हुई थी, मैंने इनको द्रास दी का और फिर वो मुझे वेव कर रही थी. देखिए, छोटा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया हुआ है और यहाँ पे आपको डेकोरेशन मिलती रहेंगे हर स्ट्रीट में. अभी हम चलते हैं अपने वे. आज बहुत सर्दी है, टेम्परेचर -6 है और हलाल मार्केट अभी थोड़ा दूर है. ये भी एक पार्क है छोटा सा. मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हर बिल्डिंग के पास एक पार्क होता है. फ्रेंड्स, हम रोड साइड पर पहुंच चुके हैं. पहले हमने सोचा बस पे चलते हैं, लेकिन हलाल शॉप 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, तो फिर हम डिसीजन लिया चले पैदल ही चलते हैं. रोड की अदर साइड पे जाना है और अभी हम रोड क्रॉस करेंगे. ये मेट्रो की एंट्रेंस है, ये भी क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से काफी डेकोरेट है, लेकिन हमने मेट्रो में नहीं जाना, हलाल शॉप बहुत पास है. ये हम इधर से रोड क्रॉस करने लगे हैं और इस साइड पर भी आपको एक मॉल नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट शॉप्स हैं. ये सामने एक सुपरमार्केट है पैरोक्रास्टिक. ये क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस की वजह से उन्होंने हर मॉल और स्ट्रीट में रखे होते हैं. ये आप इलेक्ट्रिक ट्रेन देख सकते हैं, जो कि मेट्रो की तरह अंडरग्राउंड नहीं चलती, बल्कि इसका रूट रोड पे ही होता है और रशियन में हम इसको ट्राम कहते हैं. फिर से रोड क्रॉस कर रहे हैं, अब हलाल मार्केट फाइनली बहुत करीब है और हम उसकी तरफ अभी जा रहे हैं. ये मस्जिद का गुम्बद नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह किसी दिन हम इसका भी विज़िट कराएंगे और उस पर भी व्लॉग बनाएंगे. तो ये सामने हलाल मार्केट नज़र आ रही है, इस पर सारी शॉप्स हलाल होती हैं. ये रशियन में लिखा हुआ है हलाल मार्केट. अभी हम ऊपर जाएंगे और शॉप में इंटर होंगे. ये हम हलाल मार्केट में इंटर हो चुके हैं और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेस, चिप्स सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है. मतलब ये गोश्त का कॉर्नर है, ये सारे पाय वगैरह, चिकन, टर्की और सॉसेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पर. ये कॉर्नर बीफ का है, जो कि नॉर्मली काउस का होता है.
ये मटन का कॉर्नर है, यहाँ बकरे का गोश्त नहीं होता जो ज़्यादातर शीप्स पड़ी होती थी, जिसे हम रशियन में बारान कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बारान। एक टर्की पड़ा हुआ है, ये आपको सेम सिचुएशन में मिलेगा, लेकिन आपको घर जाके इसके पीसेस करने होंगे। ने बरान की टू लेग्स थी। यहाँ पे आपको मीट बिग पीसेस में मिलेगा, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो आपको स्मॉल पीसेस में। ये हमने लिया कीमा, और रशियन में इसको फर्श कहते हैं। किलो 90 ग्राम ничего чуть-чуть больше подойдет еще что бро язык говяжий это हमने इनको यहाँ पे हमने इनसे पूछा कि हमें एक पाय दे दें, लेकिन उसने कहा यहाँ फ्रेश नहीं है, जब फ्रेश आएगा तो हम आपको दे देंगे, क्योंकि हम उनके परमानेंट कस्टमर हैं इसलिए। फाइनली हमने गोश्त परचेज कर लिया है, अभी हम चलते हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड पे शॉप्स देख सकते हैं छोटी छोटी, ये सारी हलाल हैं, और यहाँ पे आपको डिफरेंट फूड आइटम्स मिलते हैं। अभी हम एक शॉप की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमने लेना है शॉर्मा, सामसा समोसे को कहते हैं, और जो भी हमें पसंद आता है। सामसा, शॉर्मा और साथ में इनके प्राइसेस। यहाँ पे ये बना रहा है शॉर्मा, और यहाँ के शॉर्मे बहुत बिग होते हैं, कि तीन लोग आसानी से अपना पेट भर के खा सकते हैं। हमने लिया सॉसेजेस ब्रेड। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये ज़्यादातर उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से होते हैं, और ये पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। जब इनसे कोई पाकिस्तानी मिलता है तो ये बहुत खुश होते हैं। फाइनली हमने सब कुछ ले लिया है, अभी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से अपने डॉग को भी कपड़े पहनाते हैं। देखिए कितना प्यारा डॉग है, सो क्यूट। क्लॉक टावर है, ये मोस्टली हर बस स्टॉप के पास लगा होता है, क्योंकि ये टाइम के बहुत प्रबंध होते हैं।
हम जिस वे से आए थे उसी वे से वापस जा रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी बिल्डिंग है सामने और फाइनली हम अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचने लगे हैं। ये हमारी बिल्डिंग की एंट्रेंस है और अभी हम अपनी एंट्रेंस के सामने आ चुके हैं और फाइनली घर पहुंच गए। अभी हम घर आ चुके हैं और ये जो हम स्टफ लेके आए हैं मैं इसको आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये है सॉसेज स्प्रेड, इसके अंदर सॉसेजेस होते हैं, ये अंदर, ये शॉर्मा, रशियन में भी इसको शॉर्मा कहते हैं, और ये समोसा, ये बेक समोसा, और इसको रशियन में सामसा कहते हैं। सो अभी मैं इसको अंदर से खोल के दिखाती हूँ इसकी फिलिंग क्या होती है। सो इसके अंदर है गोश्त, ये देखिए मीट है इसके अंदर, और ये बहुत टेस्टी होता है, मीट है और प्याज है साथ में। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल, लाइक शेयर एंड बेल आइकन मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।